भगवान राम को जहां विष्णु का अवतार माना गया है, वहीं लक्ष्मण को शेषावतार कहा जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें भगवान राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। भगवान राम से लक्ष्मण बहुत प्रेम रखते थे। लक्ष्मण के लिए राम ही माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। लक्ष्मण राम के साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। माना जाता है कि लक्ष्मण की 3 पत्नियां थीं, उर्मिला, जितपदा और वनमाला। लेकिन रामायण में उर्मिला को ही मान्यता प्राप्त पत्नी माना गया। बाकी 2 पत्नियों की उनके जीवन में कोई खास जगह नहीं थी। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्षों तक पत्नी से अलग रहकर वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। लक्ष्मण से इनके अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की 1 पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी और चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की। जितपदा लक्ष्मण की एक और पत्नी थी जिसका नाम था जितपदा। लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश में क्षेत्रांजलिपुर के राजा के विषय में सुना कि जो उसकी शक्ति को सह लेगा उसी से वो अपनी कन्या का विवाह कर देगा। लक्ष्मण ने भाई की आज्ञा से राजा से प्रहार करने को कहा। प्रहार शक्ति सहकर उन्होंने शत्रुदमन राजा की कन्या जितपदा को प्राप्त किया। जितपदा को समझा बुझाकर राम, सीता तथा लक्ष्मण नगर से चले गए। वनमाला महिधर नामक राजा की कन्या का नाम वनमाला था। उसने बाल्यकाल से ही लक्ष्मण से विवाह करने का संकल्प ले रखा था। लक्ष्मण के राज्य से चले जाने के बाद महिधर ने उसका विवाह अन्यत्र करना चाहा, किंतु वो तैयार नहीं हुई। वो सखियों के साथ वन देवता की पूजा करने के लिए गई। बरगद के वृक्ष के नीचे खड़े होकर उसने गले में फंदा डाल लिया। वो बोली कि लक्ष्मण को ना पाकर मेरा जीवन व्यर्थ है, अतः वो आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गई। संयोग से उसी समय लक्ष्मण ने वहां पर पहुंचकर उसे बचाया तथा उसे ग्रहण किया। लक्ष्मण के बारे में ये जानना काफी महत्वपूर्ण है कि जिस भ्राता राम को लक्ष्मण अपने प्राणों से प्रिय थे, उनके कारण ही लक्ष्मण की मृत्यु हुई, क्योंकि राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली और नागलोक वापस लौट गए।